अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको दिखाएंगे बर्ड हाउस, उसका सेटअप, और ये बर्ड हाउस जो है हमारे घर में वाकया है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका बैक का व्यू है, और हम आपको क्लोज लेके जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा इंक्लोजर है, बहुत ही अच्छा सेटअप है, और इस सेटअप में आप जो है काफ़ी सारे बर्ड्स रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बजीज रखे हुए हैं, कॉकटेल्स रखे हुए हैं, और दो हैंस भी रखी हुई हैं। चलिए, तो अब आपको इसकी पिछली लोकेशन दिखाते हैं, जहाँ से इसमें एंटर हो सकते हैं और इसमें बर्ड्स रखते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हम इसकी बैक लोकेशन पे आ गए हैं, और अभी हम इसको ओपन करके इस इंक्लोजर के अंदर जाएंगे, ताकि मैं आपको अंदर से दिखा सकूं कि ये इंक्लोजर कैसा है। तो लीजिए, हम एंटर हो चुके हैं। इस इंक्लोजर के दो दरवाजे हैं सेफ्टी पर्पसेस के लिए। सेफ्टी पर्पस यानी कि अगर आप एक दरवाज़ा बंद कर कर दूसरे दरवाज़ा खोल भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके बर्ड्स अंदर महफूज हैं और बाहर नहीं जा सकते। तो ये आप देख रहे हैं, मैं पहले दरवाज़े पे खड़ा हुआ हूँ, और बर्ड्स काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, और सब अंदर बैठे हुए हैं। यही सेटअप हम गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं, और यही सेटअप हम सर्दियों में भी इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में ये होता है कि सर्दियों में हम अंदर बल्ब लगा देते हैं, जिससे कि जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। उसके अलावा ये बिल्कुल परफेक्ट सेटअप है, और एक ब्रीडिंग इंक्लोजर है। ये जो ब्रीडिंग बॉक्सेज आप देख रहे हैं, ये किसी भी दुकान पर आप चले जाएँ और वहाँ पर आप घड़े का कह सकते हैं कि आपको ब्रीडिंग के लिए घड़ा चाहिए बर्ड्स का, तो वो बंदा आपको खुद ही आपका डिज़ायर्ड खड़ा जो है आपको दे देगा। उसके अलावा हमने ये लकड़ी के स्पेशल बॉक्सेस बनवाए हुए हैं, जिनमें ब्रीडिंग कराई जाती है। इसमें ये होता है कि सारा साल, मतलब सीज़न आता है तो ब्रीडिंग चलती है, और बर्ड्स ब्रीडिंग करते हैं, जिसकी बिना पर और एक्स्ट्रा बर्ड्स आते हैं, और आप उन बर्ड्स को बेच सकते हैं। हम भी बर्ड्स को सेल करते हैं, और काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि बजीज जो है अपने ब्रीडिंग बॉक्सेस पे बैठे हुए हैं, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हवा चल रही है और अच्छा एटमॉस्फेयर है। इस साल बजीज का ब्रीडिंग सीज़न है, और काफ़ी इंट्रोड्यूस हुई है, जिसकी बिना पर काफ़ी नए बर्ड्स भी अभी आप इस केज में देख रहे हैं। तो ये हमने स्पेशल इंक्लोजर्स भी बनाए हुए हैं बड़े बर्ड्स के लिए, जैसे कॉकटेल हो गया, रिंग नेक हो गया। रिंग नेक तो अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉकटेल हमारे पास मौजूद हैं। उनको हम स्पेशल इंक्लोजर्स में डालकर ब्रीडिंग कराते हैं, ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट बन सके और जोड़ा बन सके, क्योंकि आप अगर खुले में अगर उनको छोड़ देंगे तो जोड़ा बनाना बहुत मुश्किल है। इन दैट केस ये ब्रीडिंग इंक्लोजर्स हैं। उसके अलावा आपने हमारी हैंस भी देखी होंगी, ये हैंस नीचे फिरती रहती हैं, और अगर कोई वेस्ट मटेरियल बचता है तो उसको ये खा जाती हैं, जिससे कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं होती। खाने के लिए हम इनको बाजरा डालते हैं, चिनार डालते हैं, और उसके अलावा सूरजमुखी के बीज जो होते हैं वो भी इनको डाले जाते हैं। उसकी बिना पे ये होता है कि इनका जो सिस्टम होता है वो हेल्दी रहता है, और बर्ड्स बीमार नहीं पड़ते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इंक्लोजर और सेटअप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द काज़मी शो। फिर मिलेंगे एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।